हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई जॉब अपडेट। दोस्तों, अभी अभी बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट आपको मिलेंगी, क्योंकि अभी शाम के समय जो है ना बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट दोस्तों उसको ज्वाइन करें, और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इससे हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले कोई भी PDF हो, कोई भी लिंक हो, कोई भी अपडेट हो, वो सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो। ये दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शाम के समय जो खबर आई, सबसे पहले CTET 2021 का रिजल्ट आउट हो चुका दोस्तों। जिसने भी CTET 2021 दिया था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। PDF चेक करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा। उसके बाद एक और अच्छी खुशखबरी दोस्तों, वो है ICAR दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, इसमें दोस्तों IARI जो टेक्नीशियन की पोस्ट थी, 641 पोस्ट, उनके एग्जाम हुए थे 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को। आज दोस्तों 9 मार्च को इसकी जो है ना एग्जाम की, अब जितने भी जिन्होंने एग्जाम दिया था उन सभी की आंसर की डाल दी गई है। 9 मार्च इवनिंग में आप आंसर की चेक कर सकते हैं। एक तो दोस्तों जिसने भी एग्जाम दिया था उसकी ईमेल आईडी पर लिंक भी आ गया है। अगर किसी को लिंक नहीं मिला है तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इस पर लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद नई भर्ती आई है दोस्तों। देखिए, पटना हाई कोर्ट में जो ना स्टेनोग्राफर की भर्ती है, 12वीं पास, ये स्टेनोग्राफर के लिए भर्ती निकली है। उसके बाद दो महत्वपूर्ण दोस्तों एग्जाम डेट घोषित कर दी है SSC ने, दो महत्वपूर्ण एग्जाम। एक तो सबसे, देखिए, 12वीं पास सबसे बड़ी भर्ती जो होती है वो है दोस्तों CHSL की। 12वीं पास जो CHSL की सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों, उसकी एग्जाम तारीख घोषित कर दी है SSC ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। देखिए, 25 मई से 10 जून तक होगा SSC CHSL टायर 1 का एग्जाम होंगे CHSL के। उसके बाद अगली बात करते हैं, SSC CGL की भी एग्जाम डेट घोषित कर दी दोस्तों। तो CGL का भी जो एग्जाम होगा दोस्तों वो होगा 11 से 21 अप्रैल, यानी कि देखिए SSC लेवल की दो बड़ी भर्तियां आपके सामने एग्जाम आए हैं। 11 से 21 अप्रैल तक जो है ना दोस्तों SSC CGL के एग्जाम होंगे। उसके बाद अगली बड़ी भर्ती की बात करते हैं तो HPCL दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भर्ती आई है। इसमें कुल पदों की अगर मैं बात करता हूँ, 25 पदों पर भर्ती आई है, जिसके आवेदन दोस्तों जो हमें 14 मार्च से शुरू होंगे और 18 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 25 पदों पर यह भर्ती है। फी क्राइटेरिया दोस्तों, इसमें जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये हैं, और SC ST के लिए इसमें कोई फीस नहीं है। और एक और धमाकेदार जो ना दोस्तों बड़ी बात कहें, HSC ने एक बार फिर से पर्दाफाश किया। देखिए, SI मेल और फीमेल का रिवाइज रिजल्ट HSC ने डाला था दोस्तों। एक बार फिर से जो ना फर्जी कैंडिडेट मिले हैं इसमें दोस्तों, 48 कैंडिडेट जो मेल में फर्जी मिले हैं और 8 फीमेल फर्जी मिली हैं, तो कुल मिलाकर 56 कैंडिडेट एक बार फिर से फर्जी मिले हैं दोस्तों। जो दोबारा रिवाइज रिजल्ट आया था, एक बार फिर से इस भर्ती का जो है रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। इसके बारे में देखिए HSC क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए 56 कैंडिडेट जो है ना वो एक बार फिर से फर्जी मिले इस भर्ती में, तो लगातार HSC पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो दोस्तों देखिए, ये थी आज की जॉब इन्फॉर्मेशन की लेटेस्ट वीडियो। जो लेटेस्ट खबरें आपको इवनिंग में मिली हैं वे हमने आपको पहुंचाई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।